नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्ट ऑफ लविंग नेचर में। आज मैं करूंगी अपने गार्डन से ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। ये समर वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, आप सामने देख रहे हैं करेला है, और वो दूर थोड़ी सी आगे मीटर बीन्स या जिनको लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं वो भी लगी हुई हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक और शेयर भी करें। तो ये देखिए कितनी लंबी ये मीटर बीन्स है, और इनको अब हम यहाँ से तोड़ेंगे। ये तो 5-10 भी होंगी तो सफिशियंट है। ये अब आ गई करेले की बारी। करेले अभी छोटे छोटे ही हो रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए ऊपर ही सड़ रहे हैं, इसलिए हम इसको छोटे ही काट रहे हैं, वरना तो ये लंबे भी हो जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी मीटर बीन्स और करेले निकाले हैं। मीटर बीन्स अभी और भी निकलेंगी। तो ये है ककड़ी, और ककड़ी की हार्वेस्टिंग मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में आपको दिखाई है। ककड़ी और खीरे तो बहुत ही लग रहे हैं। ये देखिए ये दो खीरे हैं, तो ये भी मैंने कट कर लिए हैं। और मैं जो अपने घर पे सब्जियां उगाती हूँ अपने गार्डन में, वो बिल्कुल केमिकल्स फ्री हैं। कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किसी का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट ही इस्तेमाल करती हूँ मैं, वरना घर पे सब्जियां लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स अभी बची हैं, ये समर वाली फ्रेंच बीन्स लगाई थी मैंने, तो मुट्ठी भर तो वो भी मिल गई हैं। थोड़ी सी सब्जी इनकी भी बन ही जाएगी। तो ये जो ककड़ी है इसको मैंने ऊपर ही रहने दिया है। अभी ये थोड़ी छोटी है, थोड़ी लंबी होगी, तो 3-4 दिन के बाद इसको मैं फिर से हार्वेस्ट करूँगी। और कितनी सब्जी निकली है, उससे पहले मैं आपको एक प्यारी सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये जब मैं सुबह पौधों को पानी दे रही थी तो मेरी नज़र पड़ी इस क्यूट से नेस्ट के ऊपर। ये यहाँ पे मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जाऊँगी, वरना जो चिड़िया है वो अपना घोंसला और अंडे दोनों ही तोड़ के चली जाती है। तो मैं थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ। ये उसमें दो अंडे भी दिए हैं चिड़िया ने। और इस मौसम में बहुत सालों के बाद मेरे घर में फिर से गोरैया आई है, और 5-6 गोरैया हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब चिड़िया वापस से, जो बिल्कुल ही जा चुकी थी तो वापस से आई हैं, तो अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देखकर। इसलिए आप भी गार्डनिंग ज़रूर करें। तो ये रही आज की सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो आप भी इस तरह अपने गार्डन में, अपने जितने भी आपके घर में स्पेस मौजूद है, आप उसमें सब्जियां लगा सकते हैं, और आपको खुशी भी बहुत होगी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं अगर आपने अपने घर में इस बार सब्जियां लगाई हैं तो कौन कौन सी लगाई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जाने से पहले लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करते जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।